أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको दीन इस्लाम की तालीम व तरबियत के इस सबक में शरीक होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले। इस सिलसिले में हम सबसे पहले ईमानियात के शोबे में बात करते हैं और ईमान की जो अलामात हैं वो हमने गुज़िश्ता सबक में उनका मुताला किया। आज हम ये बात मालूम करना चाहेंगे कि ईमान का खुलासा क्या है। आसान अल्फाज में हम अगर ईमान के बारे में जांचना चाहें कि आला दर्जा हमें ईमान का पता चल गया, अब अदना दर्जा ईमान का क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अदना दर्जा भी हमें बताया। चुनांचे सही मुस्लिम में हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्ततिअ फबिलिसानिही फइन लम यस्ततिअ फबिकल्बिही وذلك اضعف الايمان او كما قال عليه الصلاه والسلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم میں سے کوئی بری بات دیکھے فلیغیر بیده تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے، درست کرنے کی کوشش کرے، روکنے کی کوشش کرے۔ हाथ से मुराद यहाँ मुहद्दिसीन ने ताकत भी ली कि उसके पास जो इख्तियारात हैं उसे इस्तेमाल करके उस बुराई को रोकने की कोशिश करे। और दूसरा ये फरमाया, फइन लम यस्ततिअ फबिलिसानी, अगर वो इसकी ताकत ना रखता हो तो फबिलिसानी, जुबान से उसको रोकने की कोशिश करे, उसको बदलने की कोशिश करे। और अगर वो इसकी भी ताकत न रखे जुबान से रोकने की कि आप उसको दीन की बात बता दें, आप उसको उस बुराई के बारे में बराह रास्त कह दें कि ये आप बुरा काम न कीजिए, इसका ये गुनाह है, आप बराह रास्त उनको ये बता दीजिए कि देखिए इस गुनाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लीजिए, आइंदा ना करें। आप यूँ भी कह सकते हैं कि इस गुनाह में ये जो आप गलत बात कर रहे हैं इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने ये गुनाह बताया है, आप ये ना करें। मुख्तलिफ तरीके और हालात ऐसे बना दिए जाए जुबान के जरिए, नसीहत कर दीजिए, तो ऐसी सूरत में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये दूसरा काम भी आसानी से हो सकता है कि हम जुबान से रोक दें। नंबर तीन फरमाया, फइन लम यस्ततिअ फबिकल्बिही, अगर वो इसकी ताकत भी ना रखता हो यानी जुबान से भी नहीं कह सकता, हालात ऐसे जैसे बसा औकात बाद लोग कहते हैं बस जी क्या करें जी, हमें अब जवान औलाद है, अब उनके सामने चुप ही रहना पड़ता है, हम तो जुबान भी नहीं हिला सकते। या बसा औकात दफातर में ऐसा होता है कि अफसर अपना बॉस जो है वो गलती कर रहा है, कोई बड़ा गलती कर रहा है, नहीं आप समझ रहे कि भाई हम जुबान से भी नहीं कह सकते, उसको रोक भी नहीं सकते,
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो तीसरी बात बताई फरमाया कि अगर इसकी भी फइल्लम यस्ततिअ फबिकल्बिह, अगर इसकी भी ताकत नहीं रखता, ना हाथ से रोक सकता है ना जुबान से रोक सकता है, तो कम अज कम दिल में बुरा समझे। वज़ालिका अज़हरुल ईमान, और ये ईमान की कमजोर तरीन निशानी, कमजोर तरीन दर्जा है ईमान का। अब अपने ईमान को बचाने के लिए ये एक एक बंदे के जहन नशीन होना चाहिए कि ये आखिरी दर्जे के बारे में कोई नहीं कह सकता मैं ये नहीं कर सकता। कोई एक मर्द, कोई एक औरत ये नहीं कह सकता कि मैं दिल से बुराई को बुरा नहीं समझ सकती, मैं मजबूर हूं। सवाल ही पैदा नहीं होता। इस इंसान को, ये इंसान अब ये तीसरे ईमान का जो आखिरी दर्जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इसमें कोई इंसान बेबस नहीं है। दिल से तो बुरा समझ सकते हैं, इसको कौन रोक रहा है? और जब इंसान दिल से किसी चीज को बुरा समझ रहा हो, घर के अंदर एक बात हो रही है, आप दिल से बुरा समझ रहे हैं कि ये गुनाह की बात है, आपका दोस्त कोई काम कर रहा है, आप दिल से समझ रहे हैं कि ये बुरा काम है, इंशाल्लाह आपकी जुबान पे आ जाएगा, आप उसको रोक भी सकेंगे। लेकिन अगर हमारे घर का माहौल और हमारा मुआशरा और हमारे दफ्तरों का और हमारे कारोबार का माहौल ऐसा हो जाए कि जो बुराई कर रहा है उसके बुरा होने का भी एहसास दिल में नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में ईमान की फिक्र करनी चाहिए। तो आज के दर्स में हमने इस बात का मुताला किया कि हमें जब मुआशरे में बुराई नजर आए तो हमें क्या करना चाहिए। नंबर एक, अपने हाथ से रोकना चाहिए, अपने पास जो इख्तियार हैं उससे आप रोकिए। नंबर दो, अगर आप ये नहीं कर सकते तो जुबान से हम रोक लें, और अगर हम ये नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में उस बुराई को बुरा तो समझें, और ये ईमान का अदना दर्जा है। और ये जो बंदा अपने दिल में बुराई को बुराई समझता, बुरा समझता हो, समझे कि मेरा ईमान बाकी है। ये ईमानियात से मुताल्लिक बात थी। और अब इबादात, दूसरा शोबा इबादात का, जिसमें हमें अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, तो नमाज से मुताल्लिक जो हिदायात थी कि सबसे पहले इंसान पाकी हासिल करे, तहारत हासिल करे, और पाकी हासिल करने के लिए हमें जो तरीके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाए उनमें बुनियादी तौर पर दो तरीके पाकी हासिल करने के, एक है वुजू और एक है गुस्ल। यहां मैं थोड़ी सी बात वादे करता चला जाऊं कि ये ध्यान नशीन रखना चाहिए कि वुजू कब करना जरूरी होता है और गुस्ल कब करना जरूरी होता है। असल में जो नापाकी है उसकी दो किस्में हैं, यहां से बात पूरी समझ में आएगी, पूरी बात ध्यान में रखेंगे तो फिर गुस्ल और वुजू दोनों के हकीकत तक आप पहुंच जाएंगे। कि नापाकी दो तरह की है, जिसे हम एक तो नापाकी कहते हैं जो हमें नजर आती है, जैसे पेशाब है, बराज है, खून है, पीप है, गोबर है, ये निजासत जो हमें नजर आती है इसको निजासत कहते हैं, निजासत हकीकी। और एक होती निजासत हुक्मी जो आपको नजर नहीं आती, जैसे बेवजू होना, बेगुसल होना, ये निजासत हुक्मी कहलाती है। इसको कहते हैं हदस, हदस हा दाल सा, हदस। और हदस की फिर दो किस्में हैं, यानी निजासत हुक्मिया की दो किस्में हैं, एक है हदस असगर और एक है हदस अकबर। हदस असगर का माना है बेवजू होना, और हदस असगर का माना बेगुसल होना। ये अब हमारे सामने दो रुख आ गए बात के। हमें नमाज पढ़ते हुए निजासत से भी पाक होना है, उसका तरीका इस्तिंजा का पूरा हमने पढ़ लिया, निजासत से अपने बदन को पाक करना है, और एक हदस से अपने आप को पाक पार करना है। और हदस से पाक करने के लिए हमें समझना होगा कि हदस की दो किस्में हैं, एक है हदस असगर और एक है हदस अकबर। हदस असगर ये कहते हैं बेवजू होना,
तो अब पहले एक बात समझ लीजिए कि बेवजू इंसान कब होता है, कैसे होता है, आसान आसान बातें। अच्छा, इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो फिर आपको एक और बात भी समझ में आ जाएगी खुद ब खुद कि वजू टूटता कैसे है। किसको कहते हैं नवाकिज वजू, वजू टूटता कैसे, वजू को तोड़ने वाली चीजें कौन सी हैं। नंबर एक, पेशाब करना। नंबर दो, पखाना करना। नंबर तीन, बदन का हवा बदन से खारिज हो। नंबर तीन, मुंह भर के तय आना, मुंह भर के तय करना। नंबर चार, सहारा लगाकर सोना, टेप लगाकर सोना। नंबर पांच, बदन के किसी मकाम से खून या पीप वगैरह का निकलकर बह जाना। ये पांच बुनियादी तौर पर आप ध्यान में रख लें, और इसके अलावा चार और हैं, लेकिन वो कभी कभी क्योंकि पेश आते हैं, वो मैं अलग से बता देता हूं। एक ये कि नशा हो, नशे में जाए तो भी वजू टूट जाता है नशा करने से, इंसान अपने आप में ना रहे इतना नशा हो, और बेहोश होने की वजह से भी वजू टूट जाता है। और एक ये कि दीवाना, कोई इंसान बिल्कुल शिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला हो जाए, उससे भी वजू टूट जाता है। एक ये कि नमाज में इतनी जोर से हंसे कि पास वाला सुन ले, तो उससे भी वजू टूट जाता है। तो ये चार अलग हैं, एक नशा, एक बेहोश होना, एक दीवाना होना, नमाज में हंसना, ये चारों को जरा अलग कर दें। तो जो आम जिंदगी में पेश आते हैं वो ये पांच पहले हैं। तो वजू को तोड़ने वाली चीजें कौन सी हैं, यानी जिनसे इंसान बेवजू होता है, पेशाब, नंबर दो पखाना, नंबर तीन हवा का बदन से निकलना, नंबर तीन मुंह भर के तय करना, नंबर चार सहारा लगाकर सोना, नंबर पांच बदन के किसी मकाम से खून या पीप वगैरह का निकलना। अब किसी बंदे को अब वजू अगर वो करना चाहे तो उसको फिर अब वजू का पूरा तरीका समझाएंगे अभी, और इसी तरह जब गुस्ल की बात आएगी तो फिर उस वक्त ये बात समझनी होगी कि गुस्ल किन चीजों की वजह से वाजिब होता है और गुस्ल का तरीका क्या है। बस हम जब ये दो बातें समझेंगे तो ऐसी सूरत में हमें नमाज की तैयारी के लिए तहारत का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। पहले हम वजू को ले लेते हैं कि हमने ये समझा कि वजू को तोड़ने वाली चीजें कौन सी हैं, यानी बेवजू इंसान कौन सा होता है, यानी इंसान हदस-ए-असगर से पाकी हासिल करने का जो तरीका है वो वजू कहलाता है। बस ये पूरी बात अब मुकम्मल हो गई कि हदस-ए-असगर किसको कहते हैं, बेवजू होने को, और उससे पाक होने का तरीका है वजू करना। अब वजू के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले वजू के फराइज ज़हन में रखने चाहिए कि वजू के कुल चार फर्ज हैं, बस ये बहुत जरूरी है जी, ताकि इसके बगैर एक भी चीज छूट जाएगी ना तो वजू नहीं होगा। चार चीजें बस, और ये अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में सूरह माईदा की आयत नंबर 6 में वजू के चार फर्ज अल्लाह ताला ने खुद बताए। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अय्दियकुम इलल मराफ़िक व अम्सहू बिरुउसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। अब मैं तर्जुमा करने लगा हूं तो फिर उसके बाद फिर मैं अलग से भी चार फर्ज इंशाअल्लाह बताता हूँ। तो वजू के चार फर्ज सूरह माईदा की आयत नंबर 6 में है। ईमान वालों, जब तुम नमाज का इरादा करो, फ़ग़सिल वुजूहकुम, तो अपने चेहरों को धो, वअय्दियकुम इलल मराफ़िक, नंबर दो अपने दोनों हाथों को कोहनियों समेत धो, नंबर तीन वमसहू बिरुउसिकुम, अपने सरों पर मसाह करो, नंबर चार वअर्जुलकुम इलल काबैन, दोनों पांवों को टखने समेत धो लो। अब जनाब वुजू के चार फर्ज हो गए। बस ये बार बार इसलिए इसरार कर रहा हूं कि आप याद रख लीजिएगा कि वजू करते वक्त चार फर्ज पूरे हो गए ना, बाकी वजू की अब हम सुन्नतें पढ़ेंगे इंशाल्लाह आइंदा दर्स में, वो 13 सुन्नतें हैं, वो अलग बात होगी इंशाल्लाह, लेकिन उन सुन्नतों को में से कोई छूट जाएगा तो आपका वजू हो जाएगा,
आप नमाज पढ़ सकेंगे। ये वजू के चार फर्ज उस वक्त भी काम आते हैं जब आपके पास पानी थोड़ा हो, पानी थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, आपने चाह मैं जल्दी से फर्ज पूरे कर लूं ताकि मैं जमात में शामिल हो जाऊं, वजू करके नमाज पढ़ लूं, वक्त ना निकल जाए। तो चार फर्ज क्या हुए? नंबर एक, चेहरे का धोना। ये चेहरा, इसकी हद क्या है? चेहरा, चेहरा किसको कहते हैं? पेशानी के बालों के उबने की जगह से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये कहलाता है चेहरा। मैंने चारों हदें बता दी चेहरे की, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये कहलाता है चेहरा। इसको धोना एक बार फर्ज है। नंबर दो, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना एक मर्तबा, ये भी फर्ज। नंबर तीन, सर के चौथाई हिस्से का मसा करना, ये फर्ज। नंबर चार, दोनों पांव को टखनों समेत धोना, ये फर्ज। आज हमने इबादात के अंदर वुजू के चार फराइज का मुताला किया, सुन्नत वुजू की फिर इंशाल्लाह आइंदा दर्स में। अब तीसरा शोबा मुआमलात का। मुआमलात में हमने हुकूक का मुताला करना शुरू किया और वालिदैन के हुकूक के बारे में हमने अहमियत पढ़ी और वालिदैन का कहां तक मानना कहना मानना चाहिए इस बात का हमने मुताला किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वालिद के बारे में अलग से भी अहकामात दिए और माँ के बारे में खास तौर पर अलग से अहकामात दिए। आज के दर्स में हम वालिदा को खास तौर पर अहमियत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें अहकामात दिए वो ये, एक हुक्म तो हमें मालूम होता है उस हदीस से जो हज़रत बाहद इब्ने हकीम रहमहुल्लाह अपने वालिद से और अपने दादा से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं एहसान का मामला किसके साथ करूं, मैं किसके साथ अच्छा सलूक करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी माँ के साथ। रावी कहते मैंने फिर पूछा किससे नेकी करूं, फरमाया अपनी माँ से। मैंने तीसरी मरतबा फिर अपने सवाल को दोहराया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करो, नेकी करो। मैंने फिर चौथी मरतबा पूछा कि किससे भलाई करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप के साथ, फिर जो करीबी रिश्तेदार हो वो मुकद्दम है। अब इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें माँ बाप में से माँ की अहमियत बहुत ज्यादा बताई। क्या आप अच्छा सलूक करना चाहते हैं, माँ के साथ करें, फिर वालिद के साथ अच्छा सलूक करें, फिर जो करीबी रिश्तेदार हो उसके साथ अच्छा सलूक करें। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाया कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है सही मुस्लिम में कि जो नेक औलाद भी अपने माँ बाप पर मोहब्बत भरी एक नजर डालती है उसके बदले में अल्लाह ताला उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। उस वक्त वहां रावी कहते हैं लोगों ने पूछा, साहब ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई एक दिन में 100 मरतबा भी नजर डाले तो यानी 100 हज का सवाब मिलेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगर कोई 100 बार ऐसा करे तब भी अल्लाह ताला बहुत बड़ा है और हर ऐब से बिल्कुल पाक है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फिर उसके बाद इब्ने माजा में और सुन्न अबी दाऊद में एक रिवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास माल है और मेरे बाप को मेरे माल की जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा माल और तुम अपने वालिदैन के लिए हो, बेशक तुम्हारी औलाद तुम्हारी पाक कमाई है, इसलिए तुम अपनी औलाद की कमाई से बिला तकल्लुक खाओ। तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माल है
उस वो यूं समझे इंसान के हमारे बाप ही का माल है, हमारे वालिद ही का माल है, ये माँ बाप ही के लिए सब कुछ है जो अल्लाह ने दिया हुआ है। लेकिन अगर इंसान माँ बाप की खिदमत में कोई कोताही कर देता है तो ऐसी सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मौजूद, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मुसलमान के माँ बाप मुसलमान हैं, सुबह शाम अजर सवाब की नीयत से उनकी खिदमत में हाजिर होता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के दो दरवाजे खोल देता है, और अगर वालिदैन में से एक है तो जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है, और अगर दोनों में से किसी को नाराज किया और गुस्सा दिलाया तो जब तक मुरादी खुश ना हो अल्लाह भी खुश नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन अगर माँ बाप दुनिया में ना रहे तो फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वालिदैन के मरने के बाद भी उनके साथ अच्छे सुलूक की कोई सूरत बाकी रह जाती है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, उनके लिए दुआ करना, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करना, उनकी कोई वसीयत हो उसको पूरा करना, उनके रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करना और वालिदैन के दोस्तों की तआज़ीम करना। ये मिश्कात शरीफ में सुनन अबी दाऊद की रिवायत मौजूद है कि उनके दोस्तों की भी तादीम करना, ये माँ बाप के रवाना होने के बाद दुनिया से ये उनके लिए। फिर बुखारी शरीफ की एक रिवायत अल अदबुल मुफरद में इमाम बुखारी ने नकल की कि वालिदैन की खिदमत का ये भी बकिया हिस्सा समझना चाहिए कि उनके इंतकाल के बाद उनके मिलने वालों से अच्छा सलूक किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माँ बाप के साथ अपने मामलात को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। और अब चौथा शोबा मुआशरत का, जिसमें हम आदाब मुख्तलिफ जिंदगी के उसका मुताला करते हुए हम सलाम के बारे में मुताला कर रहे थे कि सलाम करने के क्या आदाब होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ हमें अहमियत के साथ सलाम के बारे में बातें कुछ बताई वो हमने गुज़िश्ता दर्स में भी उनका मुताला किया, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें घर के आदाब में से ये बात सिखाई जो कि मिश्कात शरीफ में हदीस मौजूद बैहकी के हवाले से हज़रत क़तादा रहिमहुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो, और जब तुम घर से बाहर जाओ तो घर वालों को सलाम करके रुख्सत हासिल करो। खास तौर पर ये आजकल बच्चों और बच्चियों की तरबियत ये बहुत ज़रूरी है। जब घर से रवाना हो तो चुप करके रवाना हो गए, वो घर में पूछते रहते हैं हाँ जी वो हैं घर में कि नहीं है, चले गए, वो जी चले गए। तो घर में रवाना होते वक्त घर से सलाम करके रुख्सत होना चाहिए, और जब घर में दाखिल हो तब सलाम करना चाहिए। बच्चों को भी इसकी आदत डालनी चाहिए। और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहाँ तक समझाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई से मिले तो उसको सलाम करे, अगर दरख्त या दीवार या पत्थर भी बीच में ओट बन जाए फिर सामने आए तो सलाम करें। रियाज़ुस सालिहीन में ज़ादुल माद में रिवायत मौजूद है, यानी अगर थोड़ी देर बाद, अब लोग यही करते हैं बस सुबह एक दफ़ा सलाम हो गया तो बस अब बाकी दिनों में सलाम नहीं करना, ये भी एक दफातर में भी एक अजीब सा मामूल है। जी आप आए हैं तो सुबह सुबह एक दफ़ा आए अस्सलामु अलैकुम, फिर उसके बाद आप किसी काम से चले गए, जब आप कमरे में दाखिल होने लगे ऐसे में कितना कह दें सलाम अलैकुम। यानी जब इंसान जब भी मुलाकात हो तो ये इंसान जो है वो सलाम करे। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के जो आदाब बताए उसमें अहम तरीन अदब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिससे आपस में आज हमारे माशरे के अंदर जिसमें से कई कमजोरियाँ भी आ गई उन आदाब में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान मुसलमान से मिले तो उसे सलाम करना चाहिए। फिर फरमाया चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे, चलने वाला बैठे हुए को सलाम करे, सवार शख्स बैठे हुए को सलाम करे, सवार शख्स बैठे हुए को सलाम करे। अब जो शख्स गाड़ी में बैठा होता है ना वो ये चाहता है जो ये पैदल चल रहा है ना ये मुझे सलाम करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि नहीं, जो सवारी में है वो बैठे हुए को सलाम करे। फिर फरमाया कम तादाद वाले बड़ी तादाद वालों को सलाम करें। फिर फरमाया कि छोटा बड़े को सलाम करें। अब ये देखिएगा गुज़िश्ता दर्स में भी ये बात आई थी कि
सलाम आमतौर पर लोग तकबूर की वजह से पहले सलाम नहीं करते कि मैं बड़ा हूं तो ये छोटा मुझे पहले सलाम करे। वो एक और चीज थी, वो थी कि अगर कोई ओहदे में बड़ा है, कोई मर्तबे में बड़ा है, कोई पैसे में रुतबे में, तो उसको चाहिए कि वो तकबूर में मुबतला ना हो और बड़ा होने के बावजूद पहले सलाम करे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे को, जो उम्र में छोटे हों, मर्तबे में छोटे हों, उनको ये समझाया कि छोटा बड़े को सलाम करे ताकि बड़े की आजमत भी जहन में रहे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी जोर से सलाम करना कि मुखातब सुन ले, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। अब ऐसी सूरत के अंदर यहाँ एक आखिर में बात अर्ज करना मकसूद है कि मस्जिद में लोग जब जाते हैं ना, ठीक है मस्जिद में जाएं तो सलाम करना चाहिए, लेकिन वो मस्जिद के हॉल में दाखिल होते हैं ना कोई साहब, तो अक्सर लोग सुन्नतें पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, तो ये इतनी जोर से सलाम कहते हैं कि अक्सर लोग बेचारे नमाज पढ़ते हुए भूल जाते हैं कि हमारी कितनी रकात हुई थी, हम क्या पढ़ रहे थे, कौन सी सूरत पढ़ रहे थे, वो सलाम सुनकर जवाब तो दे नहीं सकते। तो इसलिए मस्जिद में जब दाखिल हों तो उस वक्त सलाम करने का अदब ये है कि मस्जिद में दाखिल होकर सलाम कर लिया जाए इतनी आवाज से कि लोगों की नमाज खराब ना हो और लोगों की तवज्जो ना पलटे और जो करीब हैं वो सुन लें। इसी तरह जब इंसान किसी मजलिस में दाखिल हो, वहाँ काफी लोग बैठे हुए हैं कमरे में, तो फिर एक दफा अस्सलाम वालेकुम कर लें बस काफी है, हर एक से मुसाफा करना जरूरी नहीं, ये भी अदब जहन में रह जाए तो उससे लोगों को बहुत सहूलत होती है। वरना कभी अक्सर ऐसा होता है मीटिंग हो रही हो या घर में बहुत सारे लोग बैठे, एक बंदा आया, हर एक से मुसाफा कर रहा, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, तो वो बहुत दिक्कत महसूस होती है। तो इसलिए भी अदब के जब काफी लोग हों तो फिर एक दफा सलाम वालेकुम कह लें बस सबके साथ सलाम हो गया। अल्लाह ताला हमें इस मुआशरत के आदाब को भी ज़हन नशीन करने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अब पांचवा शोबा अखलाकियात का, अब उसमें हम गुज़िश्ता दर्स में अखलाकियात में से एहसान के बारे में, अखलाकियात यानी अच्छी आदतें, उन अच्छी आदतों में से एक आदत एहसान करना, दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना, उसके बारे में कल हमने आयात का मुताला किया था कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयात में एहसान करने का, अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में भी लोगों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। एक तो वो मशहूर हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, तुम अहले जमीन पर रहम करो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। ये इंसान आज किसी के साथ अच्छा सलूक करे ऐसी सूरत में अल्लाह इसके साथ अच्छा सलूक करेगा। और फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, कि जिस शख्स को ये पसंद हो कि अल्लाह उसे कयामत के दिन तकलीफों से निजात दे तो उसे चाहिए वो तंग दस्त को मोहलत दे और मकरूज को मुआफ कर दे। यानी क्या मतलब, आप से किसी ने पैसे लिए, आपने देखा कि ये तंग दस्त है इस वक्त फिलहाल, इसकी तंगी है अभी नहीं दे सकता कर्ज, आपने उसको मोहलत दे दी और कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक महीने बाद छह महीने बाद दे देना, आपने मोहलत दी, एहसान किया, अच्छा सलूक, और मकरूज को जो शख्स मुआफ कर दे, यानी एक बंदा देखे कि ये मैंने इसको दिया तो था, अब ये वापस नहीं कर सकता, इस बेचारे के हालात अब है ही नहीं ऐसे और आइंदा भी कोई तवक्को नहीं, उसको मुआफ कर दिया तो अल्लाह ताला कयामत के दिन इस बंदे को तकलीफों से निजात अता फरमा देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एहसान के पैकर थे, जिंदा पैकर, और ये यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों के साथ भी एहसान का सलूक करते थे, और मक्का वालों ने कितने कितने बड़े जुल्म ढाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुदरत हुई फतह मक्का के मौके पर बदला लेने की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुआफ कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन जो थे उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर मुआफ कर दिया। अब हम जिंदगी के अंदर किस किस तरीके से एहसान कर सकते हैं उसकी मुख्तलिफ सूरतें, एक सूरत तो यह है कि मुसीबत ज़दगान को मुसीबत से निजात दिलाना,
सही मुस्लिम के हदीस के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई एक किसी की एक मुसीबत को दूर करता है, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसकी मुसीबतों में से भी एक मुसीबत को दूर कर देगा। इसी तरह मोहताजों की मदद करना। तीसरा तरीका, बुराई का बदला अच्छाई से देना। कोई आपके साथ बुरा सलूक करे, आप उसके साथ अच्छा सलूक करें, ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। चौथा तरीका एहसान का ये है, दूसरों को हक से ज्यादा देना। जिसका जो हक है वो दे दिया, ये तो कहलाएगा अदल, इंसाफ, और उसके हक से बढ़कर उसको देना, ये कहलाता है एहसान। और फिर अफो दरगुजर, माफ करना, दरगुजर कर देना, ये भी एहसान है। अल्लाह ताला ने सूरह नहल की आयत 126 में फरमाया कि अगर तुम बदला लेना चाहो तो ले दो, ले सकते हो, लेकिन अगर तुम माफ कर दो तो ये बेहतर है। इसी तरह एहसान कोई आपके साथ करे, आप उसके जवाब में एहसान करें, अच्छा सलूक करें, ये एहसान का बदला उतारना, ये भी एहसान में शामिल है। लेकिन याद रखिएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा किसी सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमारे साथ कोई बुरा सलूक करे तो क्या हम उसके साथ बुरा सलूक कर सकते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तकुनु इम्मातन, तुम इम्मा मत हो जाओ, लोगों के देखा देखी करने वाले, जैसा दूसरा कर रहा है वैसा मैं करूं, ऐसे ना हो जाओ। फिर फरमाया, अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करे, तुम भी उसके साथ अच्छा सलूक करो, तो यह है बदला उतारना। और अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करे, तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो, तो यह है एहसान। इसी तरह इंसान एहसान करने के बाद फिर उसको जितलाए ना, इसलिए कि अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा की आयत 262 में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नी वल अज़ा, हे ईमान वालो, तुम अपने सदकात को और तुम अपनी इबादतों को एहसान जिता कर जाया मत करो। किसी के साथ अच्छा सलूक किया, अब उसको जिताना नहीं है, वरना वो इंसान का किया हुआ एहसान जो है वो अल्लाह के यहाँ जाया हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन इस्लाम की इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।